सुभाष प्लेस इलाके में स्पेशल 26 फिल्म की तर्ज पर नकली सीबीआई अधिकारी बनकर बदमाशों ने डॉक्टर के घर पर छापेमारी की और घर में नकदी व गहने आदि समेट लिया। इसके बाद बदमाश पीड़ित डॉक्टर के ड्राइवर को साथ लेकर उनकी क्लिनिक पर छापेमारी करने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में मौर्या एनक्लेव थाने के निकट ड्राइवर ने शोर मचा दिया। ऐसे में पुलिस कर्मियों ने मौके पर महिला समेत 3 बदमाशों को दबोच लिया। आरोपितों के खिलाफ सुभाष प्लेस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस फरार हुए गिरोह के मास्टरमाइंड व एक अन्य बदमाश की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार कोहाट एनक्लेव निवासी राजेश अग्रवाल व प्रियांक अग्रवाल दोनों आपस में पिता पुत्र हैं और दोनों डॉक्टर हैं। दोनों मौर्या एनक्लेव इलाके में क्लिनिक चलाते हैं। शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे दोनों जैसे ही क्लिनिक से घर पहुंचे कि महिला समेत 5 लोग जबरन उनके घर में घुस गए। उन्होंने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया और घर में काला धन होने की बात कहते हुए तलाशी लेने लगे। जब प्रियांक अग्रवाल ने उन्हें परिचय पत्र दिखाने को कहा तो उन्हें धमकी देकर चुप करा दिया और परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन को कब्जे में ले लिया। चारों ने तलाशी के क्रम में घर में रखे करीब 36 लाख नकदी विदेशी मुद्रा करीब 5 लाख के गहने बैग में भर लिया। इसके बाद उन्होंने पीड़ित के ड्राइवर तिलक राज को साथ लेकर क्लिनिक पर छापेमारी करने की बात कहते हुए वहां से निकल पड़े, लेकिन जब कार सवार चारों आरोपित मौर्या एनक्लेव थाने के निकट पहुंचे तो तिलक राज ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में थाने के पुलिस कर्मी वहां पहुंच गए और महिला समेत 3 आरोपित को पकड़ लिया, जबकि उनके 2 साथी भाग गए। पकड़े गए आरोपितों की पहचान नरेला की विभा, पानीपत के बिट्टू व सोनीपत के सुरेंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए नकदी गहने के अलावा फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किया। उत्तर पश्चिम जिले की डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि चूंकि वारदात सुभाष प्लेस थाना क्षेत्र में हुआ था, ऐसे में पकड़े गए आरोपितों मौर्या एनक्लेव थाना पुलिस ने सुभाष प्लेस थाने के हवाले कर दिया। जांच में पता चला कि गिरोह का मास्टरमाइंड अमित है, उसी ने बिट्टू व अन्य आरोपितों को बुलाया था। ऐसे में पुलिस अमित व उसके साथ फरार हुए पवन की तलाश कर रही है। बहरहाल पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या बदमाशों ने पहले भी ऐसी कितनी और वारदात को अंजाम दिया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।